नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। भाकपा माले ने जिले भर में मनाया विश्वासघात दिवस। जिला मुख्यालय में झंडा मैदान से निकाला प्रतिवाद मार्च, टावर चौक पर किया प्रदर्शन। इधर जिले के अन्य प्रखंडों में भी माले ने केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों पर निकाली भड़ास। फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से सदर विधायक के खिलाफ हुआ ब्राह्मण समाज झंडा मैदान में बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। कई हिंदूवादी लोगों ने भी दिया समर्थन की विधायक के कारनामों की कड़े शब्दों में निंदा। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना समेत जिले के विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक। पूजा को लेकर जारी किए गए निर्देश, विसर्जन के वक्त डीजे बनाने पर लगाई गई रोक। और गिरिडीह कॉलेज में रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर दीपाली गुहा नियोगी को दी गई भावभीनी विदाई। इधर एसएसबीएम में भी शिक्षक प्रदीप सिंह का हुआ अभिनंदन। विद्यालय परिवार ने उनके सुखमय भविष्य की कामना। और अब खबरें विस्तार से। भाकपा माले ने देशव्यापी आह्वान के तहत सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाया और प्रतिवाद मार्च किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों के साथ दगाबाजी करने तो झारखंड सरकार पर भी मजदूर किसानों के हितों के साथ लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा गया। भाकपा माले ने सोमवार को देशव्यापी आह्वान के तहत विश्वासघात दिवस मनाते हुए झंडा मैदान से प्रतिवाद मार्च निकालकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों के साथ पुनः दगाबाजी का आरोप लगाया, वहीं झारखंड सरकार पर भी किसानों मजदूरों के हितों के साथ लापरवाही बरतने को लेकर निशाना साधा। साथ ही माले ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के शोषण और इसका विरोध करने वाले माले नेताओं सहित कई निर्दोष ग्रामीणों पर भी मुद्रा राइस मिल प्रकरण में झूठा केस दर्ज कर दिए जाने का विरोध करते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की। गिरिडीह जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो, राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव के अलावा जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा, पप्पू खान, प्रीति भास्कर, फूल देवी आदि ने संयुक्त रूप से किया। यहां लोगों को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के सामने मोदी सरकार ने समर्पण करते हुए काले कृषि कानून को वापस तो ले लिया, लेकिन किसानों की कई अन्य प्रमुख मांगों पर वादा करने के बावजूद अभी तक अमल करना शुरू नहीं किया है। कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने, शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देने, आंदोलनकारी किसानों पर से केस हटाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोदी सरकार वादे करने के बावजूद उसे पूरा करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। यह देश के किसानों के साथ मोदी सरकार की सीधी दगाबाजी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आज देशव्यापी विरोध हो रहा है। केंद्र के साथ झारखंड सरकार पर भी निशाना साधते हुए माले नेताओं ने कहा कि यह सरकार भी मजदूर किसानों के हितों के प्रति जिम्मेवारी से भाग रही है। भाजपा सरकार के समय जिस तरह शोषण हो रहा था वह अभी बदस्तर जारी है। इस साल भी किसानों को धान की सही कीमत नहीं मिल सकी। धान खरीदने की सरकार की घोषणा सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनी, धरातल पर पर्याप्त किसान इससे लाभान्वित भी नहीं हो सके। कहा कि कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण भाजपा शासन की तरह ही जारी है। पिछले दिनों हुए मुद्रा राइस मिल प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा गया कि एक तो मजदूरों का शोषण नहीं रुक रहा, ऊपर से शोषण का प्रतिकार करने और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वालों को झूठे केस करके दबाने की कोशिश हो रही है। माले नेताओं ने मुंद्रा राइस मिल मामले में आरोपित नेताओं समेत कई अन्य निर्दोष लोगों को भी केस से बरी करने की मांग की और कहा कि यदि बिना जांच निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हुई तो जिले भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिलेश राज, मनोज यादव, नौशाद अहमद चांद, संजय चौधरी, सनातन साहू, निशांत भास्कर, माणिक त्रिवेदी, पंकज पंडित, रेखा देवी, गुड़िया देवी, सोनिया देवी, सविता देवी, सोनू रवानी, मजबूल हक, मनीष कुमार, संतोष राय, मोहम्मद गुड्डू, राजू दास, बजरंगी दास, मोहम्मद न्याज, बालेश्वर यादव, छोटू यादव, रंजीत सिंह, सुजित कुमार, महेश सूरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुख्य रूप से आज ये देशव्यापी आह्वान के तहत में विश्वासघात दिवस मनाते हुए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और ये विश्वासघात इसलिए कहा जा रहा है कि
किसान आंदोलन के सामने समर्पण करके मोदी सरकार ने तीनों काले कानून वापस तो लिए, लेकिन उसी समय उन्होंने किसानों के साथ और जो वादे किए थे वो उस दिशा में सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ रही है। ना तो MSP के लिए कोई प्रयास हो रहा है, ना तो किसानों के ऊपर में जो केस हुआ उसे वापसी के लिए कोई प्रयास हो रहा है, और ना ही शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजे की जो बात है ना तो उस पर कोई प्रयास हुआ है। कई अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर सरकार वायदे करके उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। तो ये किसान समझ रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, और उन्होंने ये काले कानून वापस लेने की घोषणा की थी, और हमें लगता है कि ये फिर आगे दिन में कोई किसानों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए आज विश्वासघात दिवस के रूप में हम लोग सड़कों पर हैं कि किसानों के जिंदगी में कंपनियों का दखल करने का जो सरकार का प्रयास है वो नहीं चलेगा और किसानों से गद्दारी नहीं चलेगी। दूसरी बात है कि अभी झारखंड में भी यहाँ भाजपा के शासन की विदाई के बाद यहाँ को जो लोगों की जो उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों से लेकर के और खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों से लेकर के और नौजवानों को जो रोजगार की अपेक्षा थी, ये सभी मुद्दों पर हमारी ये सरकार झारखंड की सरकार भी अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रही है। ये दोनों मुद्दे हैं। और अभी आपने पिछले दिनों यहाँ गिरिडीह में देखा, अभी साथी पूरन जी ने भी बताया कि किस तरह से यहाँ मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए जब यहाँ मालिक के लोग वहाँ गए तो आपने देखा कि मजदूर को तो मुआवजा पूरा नहीं मिला। इस पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि मजदूर का मुआवजा 16,80,000 के बजाय उन्हें सिर्फ 11,25,000 मिला। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था, ये बात सार्वजनिक हो गई, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दिन भर उस फैक्ट्री को खोला नहीं गया जहाँ उस मजदूर की जान गई, लेकिन आपने देखा कि आंदोलनकारियों पर केस किया गया। ये बात भी सही है कि पुलिस के साथ झड़प हुई और उसमें जो दोषीदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें पूरा हम लोग का समर्थन है, लेकिन कई निर्दोष लोग, कई ग्रामीण उसमें नाहक फंसे हुए हैं। कई लोग वहाँ सिर्फ बाजार में गए थे और उनको उस झमेला से कोई लेना देना नहीं था, उनका भी नाम उस केस में आ गया है। हम लोग अपनी बात नहीं करते हैं इसलिए कि हमें पता है कि हम वहाँ जब थे ही नहीं, हमारा कोई साजिश है ही नहीं, तो कोई दुनिया की ताकत हम लोग को झूठे तरीके से ये फंसाने में सफल नहीं होगी। लेकिन हमें चिंता उन निर्दोष लोगों की है जिन्हें बिना मतलब का केस मुकदमा वो लोग खेल रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं आज के विश्वासघात दिवस के जरिए कि यहाँ स्थानीय प्रशासन ने भी जो कुछ किया है उस पर पुनर्विचार करे। और गावा प्रखंड के हटिया मैदान में इंकलाबी नौजवान सभा व भाकपा माले के द्वारा किसान आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारी साथियों के याद में एक श्रद्धांजलि सभा सह प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। मार्च की शुरुआत हटिया मैदान से हुई, पूरे गावा बाजार होते हुए यह प्रखंड मुख्यालय पहुंची जहां सभा में तब्दील होकर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। गावा प्रखंड के हटिया मैदान में सोमवार को इंकलाबी नौजवान सभा व भाकपा माले के द्वारा किसान आंदोलन में शहीद हुए क्रांतिकारी साथियों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव उपस्थित हुए। प्रतिवाद मार्च की शुरुआत हटिया मैदान से पूरे गावा बाजार होते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंची और सभा में तब्दील होकर सम्पन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाकपा माले समेत तमाम वामदल आज किसानों के समर्थन में पूरे देश स्तर पर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। भाकपा माले नेता नागेश्वर यादव ने कहा कि जनता के जन समस्याओं से यहां के विधायक और सांसद को कोई लेना देना नहीं है। जनता के जनहित मुद्दों के लिए भाकपा माले हमेशा यहां छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के आवाज को बुलंद करने का काम की है। इन्होंने कहा कि पावर ग्रिड, भेके घाट का NOC, स्थायी BDO व CO की मांगों पर यदि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो भाकपा माले पुनः फिर से गावा प्रखंड मुख्यालय में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। आंदोलनकारी किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा करो, देश के सार्वजनिक संपत्ति को बेचना बंद करो, फैक्ट्री मजदूरों का शोषण बंद करो, माले नेताओं पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लो समेत कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति व जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर इनौस जिला सचिव अशोक मिस्त्री, जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, आनंदी यादव, अखिलेश यादव, पवन चौधरी, जितेंद्र कुमार, अशोक यादव, सुरेश चौधरी, रंजित कुमार, पिंटू कुमार, प्रदीप कुमार, जासु देवी, मीणा देवी, कुंती देवी, मालती देवी, उपेंद्र यादव, कन्हैयाराम समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज पूरे देश में किसानों के साथ किए गए विश्वासघात मोदी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में आज पूरे देश में लोग सड़कों पर है और प्रखंड मुख्यालयों पर एक प्रदर्शन करके सरकार का विरोध जता रहे हैं।
जैसा कि आप सबों को पता है कि जिस तरीके से अपने न्यायिक मांग को लेकर के किसान संघर्षरत थे और उन निर्दोष किसानों को निर्मम हत्याएं हुई है ठंड से, गाड़ियों से रौंद के, इन तमाम किसानों जो बलिदानी दिए हैं उनको लेकर के सरकार ने कहा कि हम सबको मुआवजा देंगे। आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी पता है आपको कि जिस माने एमएसपी भी लागू नहीं किया गया। इन तमाम सवालों को लेकर के आज भाकपा माले एक दिवसीय कार्यक्रम रखी है। जैसा कि गांव प्रखंड के बारे में अगर आप जान लें तो पता है आप लोगों को भी कि हम लोग पिछले बार लगातार यहां अनिश्चितकालीन धरना दिए और उस धरने में हम लोगों ने जो मांग रखा था यहां स्थानीय सवाल को लेकर के, स्थानीय मुद्दों को लेकर के, वो मुद्दे थे कि यहाँ स्थायी BDO CO नहीं है। लंबे समय से यहाँ स्थायी CO BDO नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि स्थायी BDO CO हो, जिससे यहाँ के ग्रामीण गरीबों का काम आसान हो, लोगों को महीनों चक्कर ना लगाना पड़े। यहाँ हमारा पावर ग्रिड बन के तैयार है लेकिन उसका NOC आज तक नहीं मिला। अभी भिक्खी घाटी जो प्रमुख रोड है हमारे गाँव प्रखंड के लिए, जो राजधनवार प्रखंड से जोड़ती है, उस रोड में भी NOC के वजह से आज वो अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में, अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है। इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि यहाँ एक महिला चिकित्सक देने की ज़रूरत है। आज वो महिला चिकित्सक क्या मिलेगा, जो एक यहाँ पदास्थापित चिकित्सक थे उसको भी हटा दिया गया। मतलब ये है गाँव का विडम्बना। और हम गाँव प्रखंड के लोग, आज जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर के दूर पर अवस्थित है ये प्रखंड, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ जो है अभी जो व्यवस्था जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, अभी खुलेआम यहाँ जो है देखिएगा नरेगा में, पूरे पंचायतों में नरेगा चरमरा गया है। नरेगा के सवाल पर आंदोलन में मांग किया गया था कि नरेगा में उसमें जो है सभी लोगों को, सभी पंचायतों में निष्पक्ष काम हो, लेकिन हम लोग के ये मांग था। लेकिन इस मांग के वजह से BDO जो भी यहाँ दलाल जो पैसा कमीशन लेकर के जाएगा उसी पंचायत में नरेगा चलेगा, बाकी पंचायत नील चलेगा। ये स्थिति, ये आलम हो गया है। अभी पैक्सों को आप ले लीजिए, किसान अभी धान दे रहे हैं पैक्सों में, 10-10 KG धान काटा जा रहा है किसानों का। ये कहाँ का रूल और नियम है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, हम लोग तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इन किसानों के साथ जो यहाँ घोर अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ अगर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ तो यहाँ जनता उठ खड़े होगी, तो फिर यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। आज हम लोग इस कार्यक्रम, विश्वासघात दिवस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को अवगत कराने आए हैं और हम लोग यह बात कह करके आज जा रहे हैं कि जो वादा किया गया है गाँव प्रखंड से लेकर के किसानों के सवालों को लेकर के, इन तमाम सवालों को हल करने की दिशा में पहल करें, अन्यथा भाकपा माले उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ब्राह्मण समाज व अन्य हिंदूवादी लोगों ने झंडा मैदान में एक बैठक की और सदर विधायक सुदेव सोनू के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस दौरान विधायक सुदेव सोनू का पुतला दहन करने का भी निर्णय लिया गया। आइए देखते हैं आखिर क्यों विधायक से खफा हैं लोग। झंडा मैदान में बैठक के बाद ब्राह्मण समाज व अन्य हिंदूवादी लोगों ने सदर विधायक सुदेव सोनू के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। आइए बताते हैं कि आखिर क्यों विधायक से इतने खफा हैं ये लोग। दरअसल बीते 30 जनवरी को गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू के फेसबुक पेज के माध्यम से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के ऊपर कथित तौर पर कुछ विवादित बयान जारी किया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध शुरू हो गया। विरोधी कमेंट के बाद उस पोस्ट को विधायक के द्वारा एडिट कर दिया गया, लेकिन बदले गए पोस्ट में भी इन लोगों के मुताबिक हिंदू समाज के विरोध में ही लिखा गया था, जिस कारण विरोध जारी रहा। इस तरह 3 बार गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू के फेसबुक पेज पर बयान को बदला गया। 31 जनवरी को पुनः गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू के फेसबुक पेज के माध्यम से माफी मांगते हुए बयान जारी किया गया, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई माफी नहीं मांगे जाने के कारण ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोगों ने झंडा मैदान में गिरिडीह विधायक के खिलाफ योजना बनाकर बैठक की और पुतला दहन का निर्णय लिया गया। गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, अपने पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जो कुठाराघात किया था उसी का विरोध करने के हेतु दिशा
तय करने के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए यहाँ पर ब्राह्मणों की एक बैठक झंडा मैदान में किया जा रहा है, जिसमें सामूहिक रूप से विभिन्न क्षेत्र से वक्तव्यों से बाज आनी चाहिए। हालांकि माननीय विधायक ने इस पर अपना क्षमा याचना भी किया है, लेकिन इसके बावजूद हम सभी यह मांग करते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के बाद भी अगर इस तरह का वक्तव्य अगर देते हैं तो कहीं न कहीं आपकी मानसिकता कुंठित है और अंदर आपके दिल में कहीं न कहीं ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही क्षोभ भरा हुआ है जो साफ परिलक्षित होता है। आप बोलेंगे आप अभी बाकी लोगों को सुन रहे थे। लोकतंत्र के लिए तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय और गंभीर खेद का विषय है। एक सामान्य व्यक्ति अगर किस तरह की वो छिटपनी करे तो लोग उसको अन्यथा ले सकते हैं, सामान्य रूप से लिया जा सकता है, हालांकि वो भी अप्रिसिएबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्यों ऐसा बात। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ऐसी बात करे जिससे कोई समुदाय, कोई व्यक्ति, कोई समाज आहत होता है तो निस्संदेह वैसे जनप्रतिनिधि को आत्मचिंतन करना चाहिए। मोती जी जो हमारे मित्र हैं, आज सुबह जब उनसे मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि झंडा मैदान में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनके इस बयान के लिए। मैं तो उनका बयान नहीं देखा, मैं मोती जी ही बताए हैं कि उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त कर लिया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर कहना चाहते हैं, वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इस सोच रखने वाले तमाम वैसे लोगों के लिए ये नसीहत है कि भविष्य में जब आप कुछ बोलते हैं तो कम से कम उसके बारे में ज़रूर समझ लें, उत्साह में आकर के कोई ऐसी बात न करें जिससे कोई व्यक्ति, कोई समाज आहत होता है। ब्राह्मणवादी, अब पता नहीं ये शब्द कहाँ से ले लिए हैं, भाई समाज किसी जाति धर्म लिंग के आधार पर अपना देश का संविधान कहीं कोई भेदभाव नहीं करता, तो इस तरह की टिप्पणी भी नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति करने वाले लोग राजनीतिक भाषा के रूप में भले ही इसका उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आप समाज में शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं तो ऐसे शब्द कांटे की तरह चुभता है किसी के लिए भी अगर आप ये शब्द कहते हैं। तो मैं फिर से उनको कहना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा बयान दिया, अगर उन्होंने जनता के सामने खेद व्यक्त कर लिया है तो निश्चित रूप से हम जरूर कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि आया है, और अगर नहीं तो तत्काल उसको जो है इस विषय पर अपना पक्ष रखना चाहिए कि किस परिस्थिति में क्यों बोले। बाकी तो लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा करता है तो एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं निश्चित रूप से उस आंदोलन में साथ खड़ा हूँ जो ऐसी बात करते हैं। बहुत धन्यवाद। आया है फेसबुक के माध्यम से पूरा ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा हिंदू समाज मर्माहत है, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस विधायक जी के इस बयान का खंडन करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना के सभागार में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था कायम रखने समेत कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूजा मनाने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। नगर थाना के सभागार में सोमवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। SDPO अनिल सिंह एवं DSP संजय राणा के नेतृत्व में सम्पन्न हुई इस बैठक में सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में यह तय किया गया कि मूर्ति विसर्जन के क्रम में किसी भी प्रकार का DJ या साउंड का प्रयोग नहीं होगा। विसर्जन में सीमित संख्या में लोग रहेंगे। विसर्जन हर हाल में संध्या 6 बजे के पूर्व समाप्त कर ली जाएगी। बैठक के दौरान किसी भी तरह की अफवाह से बचने का आग्रह आम लोगों से किया गया। बताया गया कि मूर्ति विसर्जन के समय प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरे एवं वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की जाएगी, साथ ही सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। सरस्वती पूजा को लेकर गांडे थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। गांडे प्रखंड में सरस्वती पूजा को लेकर सोमवार को गांडे थाना में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी सफी आलम ने की।
बैठक में सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि सरस्वती पूजा का आयोजन शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये विद्या व शांति की अधिष्ठात्री देवी का पूजन उत्सव है। उन्होंने कहा कि पूजा आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, प्रशासन की नज़र हर एक पूजा स्थल पर रहेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि सरस्वती पूजा का आयोजन कर रहे पूजा समितियों को प्रतिमा विसर्जन के दौरान कतई ढिलाई नहीं देनी है। वहीं अंचलाधिकारी सफी आलम ने बैठक में सभी पूजा समितियों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत पूजा का आयोजन करने का निर्देश दिया। बैठक में बारी बारी से पूजा समितियों व गणमान्य लोगों से विचार विमर्श किया गया व पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी कार्तिक सिंह ने कहा कि त्यौहार में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रशासन अधिकारियों समेत बिसूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रखंड बिसूत्री उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, सेवानिवृत्त शिक्षक हाजी उस्मान अंसारी, गांडे पंचायत के मुखिया भरतलाल शर्मा, आजसू प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साहू, मोहम्मद आशीष सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। सरस्वती पूजा 5 को है, 6 तारीख को भसान है। क्षेत्र की जनता को संदेश है कि अपने घर में और अगल बगल जहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है, शांति और भक्तिमय वातावरण में पूजा संपन्न करें और बाल बच्चों पर निगरानी रखें। पूजा के आड़ में लोग नशा सेवन करते हैं, अश्लील गाना बजा के जो संस्कृति को नीचे गिराने का काम करते हैं उसको रोकें और बढ़िया से लोग करें। गिरिडीह कॉलेज में बांग्ला के प्रोफेसर डॉक्टर दीपाली गुहा नियोगी की सेवानिवृत्ति पर उन्हें सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। इस दौरान उनके कार्यकाल की सराहना की गई और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गिरिडीह कॉलेज में बांग्ला के प्रोफेसर डॉक्टर दीपाली गुहा नियोगी की सेवानिवृत्ति पर उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। यहाँ शिक्षक संघ की तरफ से नियोगी जी को शॉल राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बालेंदु शेखर त्रिपाठी ने भेंट की। वहीं शिक्षकेतर कर्मियों की तरफ से विनोद सिंह और दिवाकर रविदास ने शॉल भेंट किया। दीपाली को कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर उनके प्रति अपने हृदयोद्गारों को प्रकट किया। वहीं आश्रिता बारला और उषा देवी ने उनको फूलों की माला भेंट की। भूगोल विभाग के सीताराम बर्णवाल ने शिक्षक संघ की तरफ से ट्रॉली भेंट की। जनरल सेक्शन के प्रभारी पंकज प्रियदर्शी और वरिष्ठ प्रोफेसर मिथिलेश कुमार ने मैडम को अवकाश ग्रहण संबंधित जरूरी कागजातों की फाइल दी। वहीं शैलेश चंद्र प्रसाद और डॉक्टर एमएन सिंह ने भी आवश्यक कागजात इन्हें दिए। इसके अलावा अन्य कई लोगों ने भी इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए इनके सुखमय जीवन की कामना। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक विदाई समारोह का आयोजन कर गणित के आचार्य प्रदीप कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर आचार्य प्रदीप को शॉल, पुष्प गुच्छ, प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित भी किया गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में सोमवार को आचार्य प्रदीप कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि आज अपने विद्यालय के वरिष्ठ गणित आचार्य प्रदीप सिंह की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये विद्यालय के एक ऐसे आचार्य थे जिनके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा विभिन्न सेवाओं में कार्यरत है। यह विदाई नहीं बल्कि एक परंपरा का निर्वहन है। गणित के कठिन सवालों को अद्भुत कुशलता से सरल बनाकर छात्रों को दिमाग तक पहुंचाने में ये माहिर थे। कठिन सूत्रों को भी निजी ढंग से आसान कर देते थे। मौके पर समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सेवानिवृत्ति एक अत्यंत व्यक्तिगत कार्यक्रम है। वैधानिक रूप से जब व्यक्ति किसी सेवा में आता है तो उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति की निश्चिंतता हो जाती है। प्रदीप जी विद्यालय की सेवा ईमानदारी पूर्वक किए एवं छात्रों में सकारात्मक भाव को भरने का काम किया। इस सम्मान समारोह में आचार्य प्रदीप को शॉल, पुष्प गुच्छ, अर्जुन अवकाश मानधन, ग्रेच्युटी प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान की गई। समिति सचिव दीपक शर्मा ने प्रदीप को अंगूठी पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर अरविंद कुमार त्रिवेदी, राजीव सिन्हा, सुमित सौरभ, गीता चरण पहाड़ी ने उनके साथ बताए हुए यादगार पल को साझा किया। वहीं राजीव रंजन, प्रथा सिन्हा, नुषा श्रेष्ठ, बेबी सरकार, बपन सहाय, मनीष पाठक ने संयुक्त रूप से बधाई गीत का गायन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजित कुमार मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्णवाल, नागमणि सिंह, शिवनंदन कुशवाहा, उमेश पांडे, कोकिल चंद आदि का सराहनीय योगदान रहा। Yeah.
बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की गई। बताया गया कि जिले भर से झामुमो के साथी मांदर थाप ढोल नगाड़ों के साथ झंडा मैदान पहुंचेंगे, जहां बहुत ही भव्य आयोजन किया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में सोमवार को एक अहम बैठक की गई। बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हुए। बताया गया कि 4 मार्च को झामुमो गिरिडीह जिले में अपना 49वां स्थापना दिवस सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार मनाएगी। स्थापना दिवस में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंडों से झामुमो के साथी मांदर थाप ढोल नगाड़ों के साथ झंडा मैदान पहुंचेंगे और भव्य आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही कम है। झारखंड सरकार के कोविड गाइडलाइंस के द्वारा झारखंड में कोविड का खतरा कम हुआ है। हो सकता है कि गाइडलाइंस में छूट मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा झामुमो कार्यकर्ता व साथी झंडा मैदान में दलबल के साथ पहुँचेंगे। बैठक के दौरान झारखंड सरकार के विभिन्न उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निजामुद्दीन अंसारी, अजित कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, गीता हजरा, प्रमिला मेहरा, सोनी चौरसिया, आशा देवी, हेमलता कोड़ा, सोनी कुमारी, ज्योतिन्द्र प्रसाद, युवराज महतो, प्रदोष कुमार, अनवर अंसारी, चांद रसीद, कोलेश्वर सोरेन, शफीक अंसारी, सुमित कुमार, अनिल कुमार गुप्ता सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। 49वें स्थापना दिवस की तैयारी जो आगामी 4 मार्च को झंडा मैदान में प्रस्तावित है, उसकी तैयारी के सिलसिले में आज जिला कमेटी की विस्तारित बैठक बुलाई गई है। जिले के तमाम साथी जुटेंगे। पिछले 2 साल से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने बड़े संयम तरीके से 4 मार्च को मनाया है। इस बार हमें बड़ी उम्मीद है कि कोरोना का कहर कम होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों को 4 मार्च को व्यापक तरीके से मनाने का मौका मिलेगा। झंडा मैदान में आर्मी भर्ती के लिए दौड़ में शामिल हुए आवेदकों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरकार से जल्द आर्मी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की अपील की गई। आर्मी भर्ती के लिए दौड़ में शामिल हुए आवेदकों की एक बैठक सोमवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान जल्द से जल्द आर्मी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की फरियाद सरकार से की गई। बताया गया कि वर्ष 2020 में ही आर्मी भर्ती के लिए इन लोगों ने आवेदन किया था। बताया गया कि 10 मार्च 2021 को इनका फिजिकल टेस्ट भी हुआ, जिसके बाद इन्हें परीक्षा में बैठना था, लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में मायूसी है। बताया गया कि बार बार परीक्षा की तिथि निर्धारित होकर उसे टाल दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इनकी परीक्षा ले, ताकि इनके भविष्य को बचाया जा सके। इस बैठक में अभिजीत मिश्रा, सोनू सिंह, मुस्तफा अंसारी, हिमांशु शेखर, रुपेश देव, अभिषेक कुमार, निसार अंसारी, रणधीर कुमार राय, राजकुमार यादव, सोनू यादव, मोहम्मद कैफ, समीर अंसारी, मोहम्मद आदिल अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। जय हिंद। ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, जो बहाली का जो पास किए हुए हैं मेडिकल और फिजिकल, वो बंद है। अगर देखा जाए तो हर जिले से लगभग इतने लड़के या फिर इससे ज़्यादा है, हर एक राज्य से लगभग 1200 से 1500 लड़के ऐसे हैं जो बस आर्मी के एग्ज़ाम के ऊपर टिके हुए हैं। तो ये हमारे देश का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने ही देश की रक्षा करने के लिए लड़का लोग को, अपने युवाओं को रोड पे आना पड़ रहा है, सड़क पे आना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है, सोच रखना पड़ रहा है अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाकी सरकार से मेरा बस इतना ही आग्रह है कि बस जो लड़के हैं यहाँ पे, बाकी और सब जिला या फिर और सब राज्य से जितने भी लड़के हैं, उनका जो एक सपना जो है भारतीय सेना में जाने का, वो पूरा हो, ताकि वो अपने आगे के लाइफ या फिर अपने जो भी उनके सपने हैं वो अपने पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महापरिवार के तत्वाधान में भरकट्टा स्थित नवनिर्मित चित्रगुप्त मंदिर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोग लगे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महापरिवार के तत्वाधान में भरकट्टा स्थित नवनिर्मित चित्रगुप्त मंदिर में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिन्हा ने गांव के वृद्धों के बीच अपने बच्चों तन्मय सिन्हा व अर्णव आलोक के हाथों कंबल वितरण करवाया। आलोक सिन्हा ने कहा कि आज स्वर्ण समाज में जरूरतमंदों की संख्या बढ़ती जा रही है और सहयोग करने वाले कम होते जा रहे हैं। ऐसे में समर्थवान लोगों को आगे बढ़ जरूरतमंदों की मदद करने की जरूरत है, साथ ही नई पीढ़ी को भी ऐसा करने की सीख देने की जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुधीर प्रसाद, महेंद्र किशोर प्रसाद, दिलीप सिन्हा, निर्भय सिन्हा, विनय सिन्हा, संदीप सिन्हा, बेबी सिन्हा, वंदना सिन्हा, सुजाता सिन्हा, सीमा सिन्हा, मुस्कान, आस्था, खुशी जानवी आदि की भूमिका सराहनीय रही।
नगर निगम क्षेत्र के कुलडीहा स्थित ग्रोवरी मार्ट के शोरूम का शुभारंभ अल्पसंख्यक सह पर्यटन मंत्री हाफिजुल अंसारी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र के कोलडीहा स्थित ग्रोवरी मार्ट के शोरूम का शुभारंभ सोमवार को अल्पसंख्यक सह पर्यटन मंत्री हाफिजुल अंसारी ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, मधुपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फयाज कैसर आदि मौजूद थे। मंत्री और विधायक ने शॉप के संचालक को बधाई देते हुए दुकान की तरक्की की कामना की। वहीं संचालक सदाम समीम ने बताया कि ग्रोवरी मार्ट में किराने की सभी वस्तुएं उपलब्ध है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खरीदारी की सुविधा दी जा रही है। यहां पर खरीदी पर कई प्रकार के ऑफर भी दिए गए हैं। मौके पर चपुआडी मुखिया मोहम्मद शमी, कांग्रेस नेता लड्डू खान, तहसीन खान सहित कई गणमान्य मौजूद थे। आज गिरिडीह में ग्लोरी मार्ट जो इस टाइप का पहला मार्ट है, ऑनलाइन खरीदारी होगी और डिस्काउंट भी है, इससे यहाँ के लोगों को जो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या और सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग है, यहाँ आपको तुरंत एक दिन में डिलीवरी हो जाए। और मैं आशा करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि यह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और सभी को यह फायदा पहुँचे। इसकी शुरुआत कुल्डिया में हुई है, इसका लाभ लोगों को मिलेगा, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। मान लीजिए कोई नहीं आ सकता है, लेडीज है या बुजुर्ग है, वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे। ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो डिलीवरी के समय उनको पेमेंट कर देना होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा काम की शुरुआत दिल्ली में हुई है, इसका लोग लाभ उठाएंगे। अपनी शुभकामनाएँ और तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। नई चीज़ की शुरुआत है, धन्यवाद। हिरोडी पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत सोमवार को आरोपी जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि कांड संख्या 8/22 के तहत जितेंद्र पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हिरोडी पुलिस ने सोमवार को उत्पाद अधिनियम के तहत आरोपी जितेंद्र प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बताया गया कि कांड संख्या 8/22 उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसी मामले में जितेंद्र प्रसाद को पुलिस ने हिरोडीह के बालीडीह गांव से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाकपा माले ने जिले भर में मनाया विश्वासघात दिवस। जिला मुख्यालय में झंडा मैदान से निकाला प्रतिवाद मार्च, टावर चौक पर किया प्रदर्शन। इधर जिले के अन्य प्रखंडों में भी माले ने केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों पर निकाली भड़ास। फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से सदर विधायक के खिलाफ हुआ ब्राह्मण समाज झंडा मैदान में बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। कई हिंदूवादी लोगों ने भी दिया समर्थन की विधायक के कारनामों की कड़े शब्दों में निंदा। सरस्वती पूजा को लेकर नगर थाना समेत जिले के विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक। पूजा को लेकर जारी किए गए निर्देश,
विसर्जन के वक्त डीजे बनाने पर लगाई गई रोक। और गिरडे कॉलेज में रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर दीपाली गुहा नियोगी को दी गई भावभीनी बधाई। इधर एसएसबीएम में भी शिक्षक प्रदीप सिंह का हुआ अभिनंदन, विद्यालय परिवार ने उनके सुखमय भविष्य की कामना। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।